लड़के को चाकू से मारने लगे। लगातार चाकू मारने के बाद वो लड़का गिर गया और उसकी हत्या हो गई। राजधानी पटना में एक बार फिर से बीच सड़क पर खूनी खेल देखने को मिला है। देखिए, राजधानी पटना का यह कृष्णा नगर इलाका है। रोड नंबर 21 में हम इस वक्त मौजूद हैं। बुधा कॉलोनी थाना अंतर्गत का ये इलाका है और देखिए कितना ये आइसोलेटेड इलाका है। और उसके बावजूद एक युवक को उसके दोस्तों के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा कहना है, बीच सड़क पर चाकू गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, मौके पर बुधा कॉलोनी थाने की पुलिस, डायल 112 की पुलिस और यहाँ पर बुधा कॉलोनी थाने के पुलिस के साथ साथ कई वरीय अधिकारी पहुंचे हैं। मामले की तहकीकात में जुट चुके हैं और इलाके में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल कायम हो चुका है। देखिए, हम उस जगह को भी दिखाएंगे कि जिस जगह पर यह पूरी वारदात हुई थी। देखिए, ये जो रोड है, इसी रोड के पास कुछ देर पहले यहाँ पर चप्पल भी गिरा हुआ है और चप्पल गिराने के साथ साथ कई चीज़ें जो हैं, यहाँ पर जो युवक है वो भागने लगता है और जिसके बाद कुछ दोस्तों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसको पकड़ा जाता है और जबरन चाकू से गोद गोद कर यहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, इसी जगह पर जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं, इसी जगह पर वो पूरी वारदात हुई है। पटना पुलिस मौके पर पहुंची है, तहकीकात कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर जिसकी हत्या हुई है वो युवक कौन है। हम आपको ये सुनवाते हैं कि यहाँ पर मौजूद स्थानीय का इस मामले पर क्या कुछ कहना है और उन्होंने क्या कुछ देखा है, सब बता रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। हम लोग चार दोस्त आपस में लड़ाई झगड़ा किए हैं, चारों स्लम के लड़के थे। हमारे मोहल्ले में आकर लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद फिर तीन दोस्त मिलके एक लड़के को चाकू से मारने लगे। लगातार चाकू मारने के बाद वो लड़का गिर गया और उसकी हत्या हो गई। कितने बजे की घटना है ये? घटना करीब करीब 10:30 बजे की घटना है और पुलिस 11:10 ये कह रहे। कहाँ का ये घटना है? घटना कहाँ पर हुआ? रोड नंबर 21 कृष्णा नगर बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत ये घटना हुआ। आपके नजरों के सामने ये घटना घटी? हमारे घर के सामने घटना नहीं हुई है, हमारे कुछ परिजन थे, हमारे कुछ मोहल्लावासी थे, उन लोग ने देखा। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का कहाँ का रहने वाला है ये तो अभी चिन्हित नहीं हुआ। लड़का के परिजन भी नहीं, कोई पहचान नहीं पाए लड़का को, लेकिन मोर और लेस ये लड़का स्लम का। तो आपने सुना किस तरीके से इस पूरी वारदात को कुछ लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दोस्त आपस में भिड़ जाते हैं जिसके बाद बीच सड़क पर खूनी खेल देखने को मिलता है। मौके पर पटना पुलिस पहुंची है, पटना पुलिस के साथ साथ वरीय अधिकारी, DSP लॉ एंड ऑर्डर, सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर मामला क्या था। देखिए, प्रथम दृष्टि अगर हम बात करें तो आपस में कुछ लोग भिड़ जाते हैं, कुछ दोस्त भिड़ जाते हैं जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पटना पुलिस ये पता लगा रही है कि वो युवक का नाम क्या है, पहचान कौन है और कौन कौन इस घटना में शामिल है। देखिए, CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, आसपास में लगे मकानों में CCTV फुटेज को खंगालने में पुलिस अब जुट चुकी है। बहरहाल, एक बार फिर से राजधानी पटना खून से दहल उठा है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव चीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।